सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएचवन प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज हमारे साथ जुड़े हैं बेहद खास मेहमान। आपको बता दें, इस देश में किसानों की दशा बदलने के लिए, उनकी दिशा बदलने के लिए जीरो बजट प्राकृतिक खेती को उन्होंने एक अभियान के तौर पर चलाया हुआ है। कुरुक्षेत्र गुरुकुल में आप जाकर एक ऐसा मॉडल देख सकते हैं जो पूरी दुनिया के किसानों के लिए प्रेरणा दे रहा है। वो मौजूदा वक्त में गुजरात के राज्यपाल हैं। आइए स्वागत करते हैं राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी का। देवव्रत जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएचवन प्राइम पर। धन्यवाद जी। सर, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये अभी जो आपका विजन है, जिस मिशन को लेकर आप चल रहे हैं, वो अब बढ़ते बढ़ते हिमाचल से अब गुजरात तक पहुंच गया है। क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, क्या कुछ चीजें बेहतर हुई हैं? हाँ, निश्चित रूप से गोयल साहब, हिमाचल प्रदेश में 4 वर्ष में गवर्नर रहा, उस काल में मैंने किसानों को इस मिशन के साथ में जोड़ना प्रारंभ किया और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, इस समय हिमाचल प्रदेश में 54,000 किसानों से भी अधिक किसान अपने खेतों में इस प्राकृतिक खेती को कर रहे हैं और इसका उत्पादन बाजारों में आ चुका है। और प्रसन्नता इस बात की है कि बागवान, सब्जी करने वाले किसान और अन्य खेती करने वाले सभी किसान हमारे इस मिशन के साथ में जुड़े हैं और उन किसानों को इस प्राकृतिक खेती से उनका उत्पादन भी बढ़ा है, उनकी लागत भी घटी है और उनके उपज का लाभकारी मूल्य भी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। इसलिए लोग और हिमाचल प्रदेश के किसान इस दिशा में खूब आगे बढ़े हैं। और इसके साथ ये भी प्रसन्नता का विषय है कि हिमाचल प्रदेश सरकार इस मिशन में रुचि ले रही है। इसी का परिणाम है कि वहाँ के कृषि विभाग के अधिकारी और सरकार सब लोगों ने मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और इस वर्ष लाखों किसानों तक पहुँचने का उनका लक्ष्य है। ये तो रही हिमाचल प्रदेश की बात जी। अब गुजरात में लगभग मेरे को 1 वर्ष हो गया है। पिछले वर्ष 4 सितंबर से हमने गुजरात में इसी प्राकृतिक खेती के मिशन को प्रारंभ किया और बहुत बड़े बड़े शिविर हमने किसानों के पूरे गुजरात के अलग अलग जिलों में, अलग अलग दिशाओं में लगाए और लगभग 1.25 लाख किसान एक ही साल में हमने प्राकृतिक खेती के मिशन से जोड़ा है। और पद्मश्री सुभाष पालेकर जी को हमने बुलाकर, वड़ताल एक जगह है जहां से हमने प्रदेश के लगभग 22,000 किसानों को मास्टर ट्रेनर बनाने की ट्रेनिंग दी है ताकि वो अपने अपने क्षेत्र में अपने दूसरे किसान भाइयों के बीच में अपने खेतों में मॉडल तैयार करें और उन मॉडल को अन्य किसानों को दिखाकर उनसे खेती कराना शुरू करें। अभी जो खरीफ की फसल का मौसम आ रहा है, हमने निर्णय लिया है कि लगभग 1 लाख किसान गुजरात में इसी वर्ष इस खेती को प्रारंभ करना शुरू कर दें। अभी 10 दिन पहले मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम से 1,70,000 किसानों को संबोधित किया है जी। और उन किसानों में बेहद रुचि है और प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि विभाग के कृषि मंत्री जी, कृषि सचिव, आत्मा के डायरेक्टर, ये सब लोग पूरे मनोयोग से इस मिशन के साथ जुड़ चुके हैं। और आपको जानकर के प्रसन्नता होगी कि देश में पहला प्राकृतिक खेती की दिशा में
गुजरात राज्य है कि जिसने देसी गाय को रखने के लिए प्रत्येक किसान को 900 रुपया मासिक उसको आहार चारे के खर्च के लिए देने का निर्णय ले लिया और वो रकम किसानों को देना प्रारंभ कर रहे हैं। जी और जी प्राकृतिक खेती में जो उपकरण प्रयोग होते हैं, ड्रम है, डंडा है, बनाने की विधि है, ये उपकरण भी निशुल्क रूप से किसानों को प्रदेश सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। तो गुजरात में पूरी रुचि के साथ सरकार, हमारे कृषि विभाग के अधिकारी, आत्मा के लोग और किसानों के समूह इस मिशन के साथ जुड़ चुके हैं और जितने धार्मिक संगठन प्रदेश के, उन्होंने भी बहुत, वो अपने अपने स्तर पर लोगों के बीच में प्राकृतिक खेती का प्रचार करते हैं और ये मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी गवर्नर साहब, जिस तरह की आपने सारी जानकारी दी है और सरकार इतना कुछ कर रही है, एक मिशन आपने जाते ही वहाँ पर इसे शुरू कर दिया, गुजरात जैसा बड़ा प्रदेश जो भौगोलिक परिस्थितियाँ उसकी हैं, एक सुदूर सा एक बड़ा प्रदेश है, जीरो बजट खेती की संभावनाएं आपको क्या दिखती हैं? गुजरात में भविष्य क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, जो मैं अनुभव करता हूँ, गुजरात प्रांत बड़ा विशाल है लेकिन पानी, भूमिगत जो जल स्तर है वो बहुत नीचे गहरा है। तो किसानों के लिए पानी जैसे हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुला उपलब्ध है, वैसा यहाँ पर नहीं है। और जो जिस प्राकृतिक खेती का मैं प्रचार करता हूँ, पालेकर जी की विधि का, उसमें पानी की बचत लगभग 70% होती है। अन्य खेती करने के लिए जो रासायनिक खेती है उसकी अपेक्षा हमारी पद्धति से खेती की जाए तो उसमें 70% पानी कम लगता है और गुजरात में पानी का अभाव है, इसलिए इस प्रदेश में ये बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। नंबर दो, गुजरात में भूमि का ऑर्गेनिक कार्बन कम है, उतना पर्याप्त नहीं है जितना उत्पादन लेने के लिए चाहिए। और प्राकृतिक खेती जो है का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है क्योंकि इसका प्रमाण गुरुकुल कुरुक्षेत्र का 200 एकड़ का हमारा फार्म है। जी, हमारे खेत में जब मैंने खेती प्रारंभ की तो हमारे लगभग 80-90 एकड़ में जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3-0.4 था, जो बहुत कम होता है, जो बंजर भूमि जैसा होता है। लेकिन जब से मैंने जीवामृत, घन जीवामृत और प्राकृतिक खेती उसमें शुरू की है, कुल 2-3 साल में ही मेरा ऑर्गेनिक कार्बन 0.9 और 1 पे आ चुका है। इतनी तेजी से ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा है और हमारा उत्पादन पहले की अपेक्षा लगभग 2 गुना हो गया है। तो गुजरात में प्राकृतिक खेती की संभावनाएं बहुत अधिक इसलिए बनेंगी कि हम यदि देसी गाय आधारित जीवामृत, घन जीवामृत खेतों में डालते हैं और इन्हीं के द्वारा नीम, धतूरा, आग, चिराता, गिलोय आदि से जो हमारे नीमास्त्र, सूंठास्त्र, अग्निअस्त्र आदि हम प्राकृतिक कीटनाशक बनाते हैं, उनका उपयोग होगा और जीवामृत, घन जीवामृत का प्रयोग होगा तो यहाँ का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, तो इससे किसानों का उत्पादन भी बढ़ेगा। तो प्राकृतिक कृषि की दृष्टि से गुजरात प्रांत बहुत सफलता से आगे बढ़ने वाला है। जी गवर्नर साहब, आपके साथ जो हमने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जो स्टोरी की थी, एक प्रैक्टिकल किया था, उसे लगभग 5.5 लाख लोग यूट्यूब पर देख चुके हैं और किसान लगातार उसमें कई तरह के सवाल भी पूछते हैं। उसके बाद हम पंजाब के सुदूर इलाकों में गए जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगते हैं, वहाँ पर भी लोग इस खेती को अपना रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब धीरे धीरे वो गति मिल गई है इस खेती को जिसकी ज़रूरत थी? आपने गोयल साहब बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, इस समय कोरोना का काल है,
पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है और भारत भी कोरोना से ग्रस्त है। इस समय जितने भी एक्सपर्ट्स हैं कोरोना के, वो इस बात को कहते हैं कि अब तक न तो कोरोना की कोई वैक्सीन है न कोई औषधि सफलतापूर्वक आई है। ऐसे समय में केवल एक ही इलाज है और वो है इम्यूनिटी को बढ़ाना। रोग से लड़ने की क्षमता जिसके शरीर में जितनी अधिक होगी, वो व्यक्ति कोरोना से सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा, उसको कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अब जो रासायनिक खेती का उत्पाद है, उसमें जितना भी कीटनाशक पड़ता है, नाशक पड़ता है, यूरिया डीएपी पड़ता है, हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करता है, रोग से लड़ने की ताकत कम करता है, इसलिए ये स्वास्थ्य के लिए घातक है। और मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जब तक हमारे खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं होता था, साग सब्जी फलों में नहीं होता था, तो हमारे यहाँ कैंसर को कोई नहीं जानता था, डायबिटीज को कोई नहीं जानता था, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों को नहीं जानता था। ये जितनी बीमारियां इस समय हम समाज में देखते हैं लोगों में, ये हमारे रासायनिक युक्त आहार का दुष्परिणाम है। और ये जो प्राकृतिक खेती है जिसका प्रचार मैं कर रहा हूं, देसी गाय पर आधारित, एक देसी गाय से हम 30 एकड़ तक की पद्धति से खेती कर सकते हैं, किसान की लागत शून्य आएगी और जो उत्पादन होगा वो कम नहीं होगा, और जो लोग इस उत्पादन को खाएंगे उनमें किसी भी प्रकार के रोग से लड़ने की ताकत पैदा होगी, लोग स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, दवाइयों के खर्चे से बचेंगे, बीमारी में जो समय बर्बाद उससे बचेंगे, और राष्ट्र की प्रगति में हमारा योगदान होगा। तो आपने जैसा कहा कि सुदूर प्रांत क्या नाम पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी लोग इस खेती को करना शुरू कर गए, अब लोगों की समझ में आ चुका है रासायनिक खेती ने जमीन की उर्वरा शक्ति कम कर दी है, उत्पादन कम हो गया है, किसान की लागत बढ़ती जा रही है, इसलिए किसान कर्जे में डूब रहा है। किसान को कर्जे से मुक्त करना है, आत्मनिर्भर बनाना है, लोगों को स्वस्थ रखना है, जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ानी है, पर्यावरण को बचाना है, पानी की शुद्धता को बचाना है, पानी की खपत को बचाना है, गाय का संवर्धन करना है, लोगों को स्वस्थ करना है। तो केवल और केवल एक ही तरीका है, वो है पालेकर की विधि की प्राकृतिक खेती, जो किसान, भूमि, पर्यावरण और लोगों के लिए उत्तम और लाभकारी है। जी, आपने जो मिशन शुरू किया आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, हमने देखा बड़े पैमाने पर उसको अपनाया गया, क्या कृषि क्रांति के रूप में इसे कब तक स्वीकार कर लिया जाएगा? क्योंकि जिज्ञासा किसान की भी बढ़ रही है और जो उपभोक्ता है वो भी जहर मुक्त खाद्यान्न चाहता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, धीरे धीरे अब लोगों की समझ में आ रहा है, आंध्र प्रदेश में खेती हो रही है, भारत के अलग अलग हिस्सों में हजारों किसान इस खेती को करते हैं, हिमाचल प्रदेश अपना चुका है, गुजरात में तेजी से अभियान चल चुका है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इस साल 14 मार्च को हमारे हरियाणा प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी और वहां के सभी कृषि के उच्च अधिकारी गुरुकुल कुरुक्षेत्र के फार्म पे स्वयं चल के आए। पूरा दिन उन्होंने इस विषय पर संगोष्ठी की, हमारे खेतों का निरीक्षण किया, वहां पर चिंतन मनन करने के बाद में प्रदेश ने निर्णय लिया, हरियाणा ने, कि हम भी हिमाचल गुजरात की तरह हरियाणा में इस कृषि पद्धति को लागू करेंगे। कोरोना अचानक आ गया, इस करके थोड़ा सा इसमें अवरोध पैदा हुआ है। इसके सामान्य होते ही हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, वहां के कृषि मंत्री जी, वहां के कृषि विभाग के अधिकारी,
बहुत रुचि दिखा रहे हैं और हरियाणा प्रांत में भी इन्हीं प्रांतों की तरह मिशन के साथ ये काम आगे बढ़ेगा। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, मुझे 2-3 बार उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी मेरे को बुला चुके हैं और उन्होंने स्वयं उन कार्यक्रमों में बैठकर इस पूरे सिस्टम को समझा है और उन्होंने निर्णय लिया है कि हम इस पद्धति को पूरे उत्तर प्रदेश में भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो अब धीरे धीरे जो परिस्थितियां बन रही हैं, स्वास्थ्य गंभीर चुनौती बन चुका है, लोगों से अस्पताल भरे पड़े हैं जी, और ऊपर कितना खर्चा होता है, सरकारों का कितना खर्चा आता है, और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो राष्ट्र के लिए काम करेंगे, बीमार होंगे तो बिस्तर पर पड़ करके अपना समय व्यर्थ खराब करते हैं और धन का भी दुरुपयोग होता है। इसका सबसे उत्तम तरीका है कि हम प्राकृतिक आहार लें और देसी गाय को घरों में पालने का काम करें, क्योंकि देसी गाय का दूध रिसर्च हो चुकी है, उसके दूध का नाम A2 रखा गया है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है, बालकों के शरीर बुद्धि के विकास के लिए उत्तम है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा करता है। इसलिए गाय का दूध अमृत, गोमूत्र गोबर कृषि में डालते हैं हम जीवामृत घन जीवामृत के रूप में, तो वहां पर एक गाय से 30 एकड़ की खेती, ये एक अनुपम और पहल पालेकर जी की है। तो इस पद्धति को हमने पूरे देश में फैलाने का काम करना जी। अब सर आपसे एक अध्यापक वाला प्रश्न करना है, क्योंकि आप तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र के संरक्षक हैं और आपने पूरा जीवन छात्रों को पढ़ाया है। ये जो वैश्विक बीमारी आई, ये जो ग्लोबल संकट हमने देखा, इस वैश्विक संकट में दैनिक खान पान, दिनचर्या, इन सब में क्या बदलाव करके हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं आपके हिसाब से? बहुत हैं निश्चित रूप से, ऐसी वैश्विक महामारी जिसके बारे में अभी मैंने चर्चा की कि सभी विशेषज्ञ इस बात को बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की आवश्यकता है, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। तो मैं गुरुकुल चलाता रहा हूं और हजारों छात्र मेरे पढ़ते हैं। हम वहां पे बच्चों को सवेरे दिनचर्या हमने कैसी बनाई जिससे इम्यूनिटी को कोई रोक नहीं सकता बढ़ने से जी। और सभी मैं प्रदेश और देशवासियों से निवेदन करूंगा कि हम आदत बनाएं वक्त सोने की, वक्त उठने की। जो व्यक्ति पूरी नींद लेता है, समय पर सो जाता और समय पर उठता है और पौष्टिक आहार शाकाहार लेता है और उसके साथ योग और प्राणायाम, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की सुविधा को समस्त विश्व के अंदर, अब 21 जून का दिन योग दिवस के रूप में विश्व के अंदर मनाया जाता, अभी हम मना चुके हैं, वो एक दिन ना मनाया जाए, वो जीवन का अंग बन जाना चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन योग और प्राणायाम करेगा, शारीरिक श्रम करेगा, दिन में 2 बार पसीना निकालने जैसा काम करेगा, उस व्यक्ति में इस रोग से लड़ने की क्षमता पैदा होगी। उदाहरण के रूप में आप इस समय भारत को देखिए, इस समय जो रोग ग्रस्त ज्यादा लोग हो रहे हैं वो मजदूर वर्ग नहीं है, श्रमिक वर्ग नहीं है, जो लोग पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनको कोरोना नहीं है, ये उन्हीं लोगों में कोरोना का प्रभाव जो शहरों में है, जो ज्यादा लग्जरी लाइफ जीते हैं, जो शरीर को हिलाते नहीं, जो प्राणायाम करते नहीं, खान पान जिनका जंक फूड फास्ट फूड, ये जो ऐसा आहार जो मृत भोजन है, हमने जीवित आहार लेना चाहिए जी। सर एक दो प्रश्न और आपसे अंत में लेते हैं। एक तो ये कि ये जो कोरोना संकट ने जीवन शैली को बदल दिया है, ये जो 2 गज की दूरी है, ये जो मास्क लगाना है,
क्या हम इस तरह की जीवन शैली को लंबे वक्त तक अपना पाएंगे? देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आज एक जीवन की आवश्यकता बता बन गई, एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति से व्यक्ति में ट्रांसफर होती है, और इसका केवल और केवल बचाव ही तरीका है कि हम दो गज की, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती, कोई परमानेंट दवाई नहीं आ जाती, इसका सही उपचार, उस समय तक हम सब ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। मास्क का प्रयोग जब भी हम बाहर निकलते हैं तो वही हमें इससे बचाएगा। शालन करना, हाथ का धोना उचित रहेगा, और हम बचाव जितना इसका करेंगे उतना स्वस्थ और निरोग रहेंगे। ये समय की आवश्यकता है, और इसका पालन हम सब लोगों ने ईमानदारी से करके स्वयं संक्रमित होने से बचना है और दूसरे को संक्रमित होने से बचाना है। जी। दोनों का तरीका एक ही है कि हम दो गज की दूरी, मास्क का पहनना, समय समय पर हाथ को धोते रहना, यही इसका एक बचाव है। बिल्कुल अंत में सर, जो देश की जनता, प्रदेश की जनता आपको सुन रही है, जो किसान आपको सुनते हैं हमारे यहाँ हमारे चैनल पर, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं समस्त किसान भाइयों से नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि आप अनेक वर्षों से खेती के व्यवसाय से जुड़े हुए, आपने पिछले 40-50 साल से रासायनिक खेती की है और उसके दुष्परिणाम सामने आने लग गए हैं। हम देख ये रहे हैं कि जितना यूरिया डीएपी का प्रयोग होता था वो बढ़ता ही जा रहा है और उत्पादन घटता जा रहा है, लागत बढ़ती जा रही है और आय कम होती जा रही है। इसलिए किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि वो प्राकृतिक खेती की ओर आएं, घर में देसी गाय का पालन करें। एक देसी गाय से 30 एकड़ तक की खेती हम कर सकते हैं, ये एक बड़ी सरल विधि है। इसमें जीवामृत, घन जीवामृत दो ही तरह के खाद का प्रयोग होता है, और इस खाद के प्रयोग करने से आपकी खेती की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, उत्पादक क्षमता बढ़ेगी, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, आपकी लागत शून्य आएगी, पानी की खपत कम होगी, पर्यावरण भी बचेगा, और आप जो खाने वाले उपभोक्ता हैं उनको जीवन देंगे और उनका स्वास्थ्य अच्छा बनाएंगे। इसलिए मैं सभी किसान बंधुओं से आग्रह करूंगा कि वो प्राकृतिक खेती की ओर लौटें, उसी से हमारा सबका भविष्य सुरक्षित होगा, रोग से लड़ने की क्षमता भी पैदा होगी और आपकी आय भी बढ़ेगी, क्योंकि जहर युक्त आहार कोई नहीं खाना चाहता। सब स्वस्थ निरोग रहना चाहते हैं, कोई कैंसर से नहीं मरना चाहता। इसलिए किसान बंधु प्राकृतिक खेती करेंगे, इससे उत्पादन कम होगा नहीं, लेकिन वो डबल कीमत पर लोग खरीदेंगे और किसान की भी आय बढ़ेगी, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य देवव्रत जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपने चर्चा की, तमाम चीज़ों को बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, जो ग्लोबल वैश्विक संकट और कोरोना पर और साथ ही साथ जीरो बजट प्राकृतिक खेती पर अपनी बात रख रहे थे।